नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़ों की सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए होगी, सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान। MiG-21 की उड़ान पर रोक, 3 स्क्वाड्रन के 50 जेट ग्राउंडेड, राजस्थान में हुए क्रैश के बाद फैसला। केदारनाथ मंदिर पर नया खतरा, 9 हेलीपैड से हर 5 मिनट में केदारनाथ के लिए उड़ान, शोर से ग्लेशियर कांपा तो मंदिर खतरे में। केजरीवाल बोले, अध्यादेश लाकर दिल्ली वालों के साथ मजाक किया गया, कोर्ट में अध्यादेश 5 मिनट भी नहीं टिकेगा, बीजेपी का दावा, अधिकारियों को बंधक बनाया गया। पूर्व पीएम की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा गांधी परिवार, खड़गे समेत कई नेता शामिल। गुजरात पेट्रोल पंपों पर 3 गुना 2,000 के नोट आए हैं, लोग इन नोटों के साथ पुराना टैक्स जमा करने पहुंच रहे हैं। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर में राज्य परिवहन निगम की 320 बसों के संचालन की शुरुआत। अभिषेक बैनर्जी से सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की, शिक्षक भर्ती घोटाले पर हुए सवाल बाहर आकर बोले, दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे। अब 6 एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों का कैशलेस इलाज, दावों के झंझट से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली के डॉक्टर से 4.47 करोड़ की ठगी, ठगों ने स्काइप कॉल पर नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया, एफडी तक तोड़वा ली। सिद्धरमैया बने कर्नाटक के सीएम, डीके बने डिप्टी सीएम, खड़गे के बेटे समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, कांग्रेस के 5 वादे पहली कैबिनेट मीटिंग में मंजूर। असम में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी, नहीं चलेगा जीन्स टी शर्ट और लेगिंग, शिक्षा मंत्री ने लिखा, स्कूल के शिक्षकों के लिए तय ड्रेस संबंधित कुछ गलत फहमियां हैं। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला, सेना प्रमुख अहम अधिकारियों में शामिल। पूर्वोत्तर को जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, 6 घंटे में करेगी 410 किलोमीटर दूरी तय। अररिया में पुलिस ने मुख्य मार्गों पर किया पैदल गश्त, दुकानदारों से खाली कराया फुटपाथ, जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार, मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी टीम के साथ घटना का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन पूजन, साथ ही वो एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गाजियाबाद में ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मिट्टी से आग बुझाने का किया गया प्रयास।
संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिपाही पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप। हरदोई में रिश्वत लेते हुए सिपाही का ऑडियो वायरल। डीजीपी के आदेश के बाद भी पीड़िता का मुकदमा तब दर्ज किया गया था। गल्ला मंडी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लखनऊ में कड़ी मशक्कत के बाद पाई गई आग पर काबू। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी की घटना। एलडीए की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में 25 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध कब्जा। कार्रवाई करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। दबंगों के हौसले बुलंद। लखनऊ में लोहे की सरिया से महिला को बेरहमी से पीटा। घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। मामूली विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या। सिद्धार्थनगर में कटहल तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस बल आगे की कार्रवाई में जुटी। यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति बढ़ेगी जन सहभागिता। लखनऊ में मैराथन और मशाल रैली का आयोजन। कुल 21 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। आगरा में 6 लाख से अधिक वाद चिन्हित किए गए। विवादों के निस्तारण करने के लिए लगाए गए थे काउंटर। मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस गड्ढे में पलटी। चंदौली में आशा सहित 4 महिलाएं घायल। नवजात सहित 2 मासूम बाल बाल बचे। हॉस्पिटल में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला डॉक्टर और स्टाफ नर्स से कर रही अभद्रता। डॉक्टर लखनऊ में डॉक्टर से लेकर स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल। चिन्हट में महिला की निर्मम हत्या का मामला किरायेदार ही निकला हत्या का मास्टरमाइंड। लखनऊ में मास्टरमाइंड अर्जुन सोनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। के नोट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। करेंसी में जल्दी जल्दी बदलाव से जनहित प्रभावित होता है। मायावती ने कहा फैसले से पहले प्रभाव और परिणाम का अध्ययन जरूरी। कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। लखनऊ में स्टंट के दौरान युवक धूल उड़ाता दिखा। बैकुंठ धाम के दूसरी तरफ स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। लखनऊ में यात्रियों ने भरी बस को हरी झंडी दिखाई है। वही हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए यात्री रवाना। मंत्री एके शर्मा ने की ना थ्रो अभियान की शुरुआत। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने की अभियान की शुरुआत। आयोजित कार्यक्रम मेरी लाइफ मेरा शहर में हुए शामिल। प्रयागराज में किन्नरों का आतंक। सड़क पर जमकर किया बवाल। किन्नरों ने मजार चौराहा रेड लाइट पर किया बवाल। ऑटो चालक को जमकर भी पीटा। बाराबंकी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत। 5 लोग हुए घायल। देवरिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी पर लगा गंभीर आरोप। ड्राई फ्रूट राशन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप। अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। बाराबंकी के शारदा नहर में दिखी 2 डॉल्फिन। एक को रेस्क्यू करके सरियों में छोड़ा। दूसरी डॉल्फिन की तलाश जारी। हमीरपुर में अंतरजनपदीय चोरों का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई में बारात से पहले घर में लगी भीषण आग। दुल्हन की मां और बुआ की जिंदा जलकर मौत। शादी वाले घर में बचा कोहरा।
काशी विश्वनाथ धाम में खास इंतजाम, श्रद्धालुओं के लिए हुए खास इंतजाम, ना धूप लगेगी ना जलेंगे पैर। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 5 मंजिला अवैध अपार्टमेंट किया गया सील, बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे इस अवैध निर्माण को सील किया गया। मथुरा के मंदिर में जारी हुआ ड्रेस कोड, मर्यादित कपड़े पहनकर आने का लगाया गया बोर्ड, प्रबंधन ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अमर्यादित वस्त्र पहनकर नहीं आना चाहिए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, पापा आप यादों में हमेशा मेरे साथ हैं। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान, कहा राजनीति को मिशन बनाकर काम करें, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। राफ्टिंग के दौरान पर्यटक और गाइड के बीच मारपीट, गोप्रो कैमरा बना विवाद का कारण, वीडियो हुआ वायरल। हेली टिकट की बुकिंग के लिए अब 23 मई को खुलेगा पोर्टल, 27 तक की बुकिंग हुई फुल। यमुनोत्री धाम आए 2 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत, अब तक 14 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच फिर हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने की टिहरी झील में बोटिंग, बोले शूटिंग के लिए बेहतर डेस्टिनेशन है। पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली में होगा प्रदेश में भाजपा का चुनावी आगाज, कार्यक्रमों पर लगी मुहर। चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे कर्मचारी, बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। एक जून से शुरू हो सकती है कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, बिलों के भुगतान के लिए होगा ऑनलाइन सिस्टम। कुमाऊं में पिछले 24 घंटे में आग से 12 जगह धधके जंगल, 13 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेगा बिल, यूपीपीसीएल ने जारी किया आदेश। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, नातिन के साथ पहुंचकर लिया आशीर्वाद। दो सौ साल की हुई पहाड़ों की रानी, शहर में मना जश्न, संस्थापक कैप्टन यंग के परिजनों ने की शिरकत। पूर्व आईएएस रामविलास को ईडी ने किया गिरफ्तार, आय से ज्यादा संपत्ति कर मामले में जेल में है। बीजेपी नेता ने बेटी की शादी के सभी आयोजन किए स्थगित, मुस्लिम युवक संघ विवाह पर नहीं थम रहा बवाल। प्रदेश में 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट, बिजली विभाग में सभी छुट्टियां रद्द। G7 में दुनिया को 10 मंत्र दे गए प्रधानमंत्री मोदी, वैश्विक चुनौतियों से निपटने का बताया नायाब तरीका, प्राकृतिक खेती को मॉडल बनाने की भी सलाह दी।
जापान में क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांगा पीएम मोदी का ऑटोग्राफ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज भी हुए फिदा। जंग पे दोनों पैर गंवाने के बावजूद 43 साल के पूर्व सैनिक हरि बुद्ध मागर ने रचा इतिहास, फतह किया माउंट एवरेस्ट। बीएसएफ ने दो दिनों में पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया चौथा ड्रोन, ड्रग और हथियारों की तस्करी कर रहा पाकिस्तान। जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन हिरोशिमा शांति स्मारक पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अन्य नेता मौजूद। रूस की सेना का बड़ा दावा, कर लिया बखमूत शहर पर कब्जा, यूक्रेन ने दिया जवाब, 8 महीने से अधिक समय से बखमूत में जारी है लड़ाई। इमरान खान को बड़ी राहत, लाहौर हाईकोर्ट ने 123 पीटीआई कार्यकर्ताओं को रिहाई के दिया आदेश, 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद फैली थी हिंसा। भारी कर्ज में डूबा ताकतवर अमेरिका, ऋण चुकाने को लेकर हो रही थी माथापच्ची, बातचीत में उभरे मतभेद। न्यूयॉर्क में हैरी मेगन की कार का पीछा 90 मिनट पैपराजी ने फॉलो किया। G7 की चीन को चेतावनी, किसी का दबदबा मंजूर नहीं, साझा बयान में कहा आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। ₹2000 के नोट वाले ना हो परेशान, किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं नोट। इस मई की नए फ्यूल की कीमतें हुई जारी, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, बीते एक साल से कम नहीं हुई कीमतें। ₹2000 की नोटबंदी का असर, देवास बैंक नोट प्रेस में रोज 22 घंटे चलेगी मशीन, हर दिन छपेंगे 500 के 2 करोड़ से ज्यादा नोट। ₹2000 के नोट के बंद होने की खबर, गुजरात में सोना महंगा, 10 ग्राम के व्यापारी वसूल रहे 70,000, चांदी 80,000 किलो। ₹2000 के नोट वापसी का नहीं पड़ेगा जीडीपी पर असर, नाम जनता पर लोग नहीं करते नोटों का ज्यादा इस्तेमाल। नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले पर ममता ने खड़े किए सवाल, राज ठाकरे बोले बिना सोचा समझा कदम। इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा प्रभाव आरबीआई के फैसले पर, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की आई प्रतिक्रिया। ₹2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं, 50,000 से ऊपर पैन जरूरी, किसी और को भेजा तो 40,000 ही बदलेंगे। सरकार का 440 वोल्ट का झटका आया काम, एक साल में डिस्कॉम पर जनको का बकाया 1/3 घटा। सभी ने जारी किया आईपीओ को लेकर नया फरमान, काम की समय सीमा घटाकर 3 दिन कर दी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, फिर चमके रिंकू सिंह, तोड़ डाला एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड। तलवार की तरह लहराया बल्ला, पथियाना के बाउंसर को से जमीन पर गिरे हैट्रिक, चूके तीक्ष्णा।
गणित कोलकाता प्लेऑफ से बाहर जीत कर क्वालिफाई कर सकती है मुंबई और बेंगलुरु राजस्थान इनके हारने की दुआ करेगी। 110 मीटर लंबा छक्का बिश्नोई ने 3 कोशिश में पकड़ा कैच, अपील नहीं होने से बचे डिकॉक। एक रन की रोमांचक जीत से प्लेऑफ में लखनऊ, आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर भी कोलकाता को नहीं जिता सके रिकॉर्ड। रिंकू सिंह के दीवाने हुए पांड्या, उनको बताया खास खिलाड़ी। कृणाल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर रचा इतिहास, कर दिया बड़ा कमाल। मैनचेस्टर यूनाइटेड की कर ली बराबरी। उन्नीस साल के प्रथमेश ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर गोल्ड जीता। शंघाई वर्ल्ड कप में ओजस ज्योति सुरेखा बेल्लम ने कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीते। वाली दूसरी टीम दिल्ली को 77 रन से हराया। कॉनवे गायकवाड़ के अर्धशतक और दीपक को 3 विकेट। फरीदाबाद के दीपेश मोर का एशियन गेम्स में चयन, नेशनल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड समेत जीते 4 पदक, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। प्रेग्नेंट है दिशा परमार, पति राहुल बोले काम से गोवा गया था, लौटा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मनोज बोले शाहरुख ने कम उम्र में दुख झेला, कहा मैंने उनका बुरा वक्त देखा है, सब कुछ उजड़ गया फिर भी वो खड़े रहे। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने की सगाई, बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। अनुराग बोले बड़ी हो चुकी है मेरी बेटी। शहनाज गिल ने शेयर किया थाईलैंड ट्रिप का वीडियो, समंदर किनारे की मस्ती, फैंस ने बताया क्यूट। कंगना रनौत बोली सिर्फ पैसों के लिए करती हूं फिल्में, क्रिटिसाइज करते हुए दीपिका ने कहा पैसे जरूरी नहीं, चॉइस पर रिस्क लेना गलत। नहीं थम रही द केरल स्टोरी की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार। पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग, डिब्यूटर्स बोले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डायना की खूबसूरती पर मर मिटे फैंस, ड्रेस को बताया ऐश्वर्या राय और सारा अली खान से बेहतर। जानवी कपूर ने दीवारा के को एक्टर जूनियर एनटीआर को जन्मदिन की दी बधाई, बताया सभी का चहेता। अमन गुप्ता बने कांस पर डेब्यू करने वाले पहले इंडियन एंटरप्रेन्योर, ऐश्वर्या का नाम लेकर कही दिल के बाद। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस